सो गाइज अभी आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड आप देख सकते हो जो तीन एप्लीकेशन है जिनको हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि भाई जो वीडियो थी टोटल भाई 18 मिनट से ज़्यादा की हो रही थी, सो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे। सो गाइज अगर आप एक लैपटॉप यूज़ करते हैं जिसे बैटरी पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे जो कि बैटरी का आइकन है एंड यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस पे शिफ्ट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये बैटरी पे शिफ्ट मतलब सेट रहता है तो आपको इसको बेस्ट परफॉर्मेंस पे शिफ्ट कर देना है। एंड अगर आप चार्जिंग पे लगा के खेलते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि भाई चार्जिंग पे बेस्ट परफॉर्मेंस ही आपका पीसी या लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं वो प्रोवाइड करता है आपको। सो आपको सेटिंग पे जाना है जो कि सेकंड स्टेप हमारा एंड आपको ढूंढना है ऐप्स अनइंस्टॉल डिफॉल्ट ऑप्शनल फीचर, तो इस वाले पे आपको क्लिक करना है। एंड भाई आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सो ऐप्स एंड फीचर में जाना है एंड आपको यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन होंगे आपकी विंडोज़ में या जितने भी आपके डिवाइस में होंगे जितने भी एप्लीकेशन होंगे जो अनयूज्ड होंगे जिनको आपने काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया है या फिर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गए हैं जो कि, तो उन सबको आपको डिलीट कर देना ताकि थोड़ी सी स्टोरेज रिलीज हो जाएगी एंड थोड़ी स्पेस बढ़ जाएगी। सो जल्दी से मैं आपको एक अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ एप्लीकेशन को, देखता हूँ। सो एक्सबॉक्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है जो इसे मैं बिल्कुल करता ही नहीं हूँ। सो इसे अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ मैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं भाई मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया है। सो यहाँ पे अनइंस्टॉलिंग आप प्रोग्रेस देख सकते हो एंड ये कुछ सेकंड का ही रहता है, शायद 3-4-5 सेकंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एप्लीकेशन कि कितना बड़ा ऐप आप यूज़ कर मतलब अनइंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है। सो उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टार्टअप पे। स्टार्टअप में यानी कि अगर आपकी विंडोज़ आप स्टार्ट करते हो यानी कि शट ऑन करते हो तो उसके बाद भाई आपके कौन से एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे जो कि बैकग्राउंड में रन करेंगे तो उन सबको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे बंद किए हुए जैसे कि नेट स्पीड मीटर और एपिक गेम्स, सो इससे थोड़ा आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा। उसके बाद आपको होम स्क्रीन में आना है सेटिंग की एंड उसके बाद आपको दूसरा जो कि फोल्डर है वो ढूंढना होगा, ढूंढना नहीं होगा यार आपको आसानी से मिल जाएगा जो कि होगा सर्च फाइल मतलब फाइंड माई फाइल्स। तो आपको यहाँ पे जाना है एंड परमिशन एंड हिस्ट्रीज में नीचे की तरफ जाना है एंड यहाँ पे सर्च हिस्ट्री ऑन दिस डिवाइस को ऑफ कर देना है। सो इससे क्या होगा जो भी आपकी लोकली हिस्ट्री क्रिएट होती है जो भी आप सर्च करते हैं वो सब बैकअप में नहीं रहेगा। इसका मतलब यार आप जो भी यूज़ करते हो जो भी ब्राउज करते हो उसका कोई भी लोकल बैकअप नहीं होगा जिससे काफ़ी स्पेस रिलीज होगी एंड बैकग्राउंड में कोई भी डाटा या एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं चलेगा। उसके बाद आपको जाना है प्राइवेसी ये लोकेशन कैमरा जो भी है, सो आपको इसको भी आसानी से ढूंढ लेना है एंड जितने भी भाई अनयूज्ड एप्लीकेशन या अनयूज्ड जो हमारी सर्विसेज हैं उन सबको आपको बंद कर देना है। सो यहाँ पे लोकेशन को आप बंद कर देना मतलब लोकेशन का कोई काम नहीं है तो कैमरा माइक्रोफोन को ऑन रहने देना क्योंकि अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं या फिर अगर आप वीडियो कॉल करते हैं तो उनमें काम आने वाला है। एंड वॉइस एक्टिवेशन को बंद कर देना क्योंकि आप जो देख सकते हैं वॉइस असिस्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट का जो कि कॉर्टाना है उससे मुझे नहीं लगता कोई यूज़ करता होगा एंड अगर करते हो तो भाई इसे ज़रूर से ऑन रखना, नहीं तो आप नहीं यूज़ करते तो ऑफ़ कर देना इसे। बाकी जो भी है इन सबको ऑफ़ कर रखना है, आप देख सकते हो किस किस को मैंने ऑफ़ रखा। वो रेडियो को आप ऑन रख ले ऑन ही रहने देना क्योंकि रेडियो भाई कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। सो उसके बाद आपको जाना है अदर डिवाइसेस, इन सब को भाई आप अपने हिसाब से देख सकते हो बट बैकग्राउंड ऐप्स हैं जो भी इन सब को भाई आपको लगता है कि भाई बैकग्राउंड में कौन से ऐप्स चलने चाहिए या कौन से नहीं चलने चाहिए उनके हिसाब से आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। सो आपको लगता है कि भाई आप कोई वीडियो प्लेबैक या ऑडियो प्लेबैक वाले मतलब एप्लीकेशन चलाते हो जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर, सो उनको भाई ऑन रखना ताकि आप अगर उन्हें कोई म्यूज़िक प्ले करते हो तो वो बैकग्राउंड में भी चलता रहे एंड ऑफ ना हो ऑटोमेटिक। तो उसके बाद आपको जाना नहीं है बस जितने भी उसके नीचे वाले हैं उन सबको भाई नहीं छेड़ना है डॉक्यूमेंट फाइल वीडियो वाला एंड उसके बाद आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है। ओके उसके बाद होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको विंडोज़ का जो सर्च है ना सर्च आइकन जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे सर्च की तरह ही है, तो विंडोज सर्च आइकन पे आपको जाना है, वहाँ पे सर्च करना है रन RUN, सो इस पर क्लिक करना है एंड रन को आपको एंटर करके इसे ओपन कर लेना है। और अगर ऐसे ना ओपन करना चाहो तो विंडोज़ प्लस R दबा सकते हो आप डायरेक्टली तो वो डायरेक्टली वहाँ से ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पे आपको सर्च करना है TEMP temp एंड temp सर्च करके ओके कर देना है। तो ये वो टेम्परेरी फाइल्स है जो कि आपके बैकअप की तरह क्रिएट होती है या फिर आप मान सकते हो कि वो फाइल्स है जो कि टेम्परेरी क्रिएट होती है या कैच कह सकते हो आप जो कि आपकी मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशंस में कैच जो कि आप डिलीट करते रहते हो वैसे ही कुछ समझ सकते हो आप इन्हें। एंड ये किसी यूज़ की नहीं होती, अगर यूज़ की होती तो विंडोज़ आपसे 2-3 बार और 4-5 बार परमिशन लेता है इंडेफिनेटली, परमिशंस की बात नहीं है बट डिलीट भी नहीं होने देता विंडोज़, तो ये किसी काम की नहीं है तो आप इसे डिलीट कर देना टेम्प फाइल को। एक दो फाइल ऐसी होंगी जो कि नहीं होगी डिलीट, मे बी डिपेंड्स कि भाई किसी या वर्किंग ऐप की फाइल हो तो उसके हिसाब से ये शायद वर्क ना करे। उसके बाद दोबारा से आपको रन ओपन करना है एंड साइड में परसेंटेज का लगा देना है मतलब फ्रंट में एंड लास्ट में, सो उससे एक और दोबारा से ओपन होगा। तो इन सबको भी फाइल्स को भी आपको कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। देख सकते हो 1.16 GB का है, जो भी डिलीट हो वो उनको आप डिलीट कर देना एंड जो ना डिलीट हो उन्हें स्किप करके आप छोड़ देना भाई, क्योंकि वो शायद या तो इंपॉर्टेंट फाइल हो सकती है जो कि मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए या फिर वो हो सकती है किसी एप्लीकेशन जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है उसकी फाइल जो कि यूज़ में अभी आ रही होंगी तो इसी वजह से वो डिलीट नहीं हो पा रही होगी।
सो आपको कंटिन्यू करना है या फिर स्किप करना है। अगर स्किप की कहे तो स्किप करना है, नहीं तो कंटिन्यू करना है, एंड जिससे फाइल आपकी डिलीट हो जाएंगी। तो विंडोज प्लस आर दबाओ दोबारा से, एंड यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रीफेच, PREFETCH। तो ये प्रीफेच आप जब डालोगे यहाँ पे, तो तब भी यार यहाँ पे एक स्टैम्प फाइल्स का एक फोल्डर खुल जाएगा जिन्हें आपको दोबारा से डिलीट कर देना होगा। एंड यहाँ पे एक तो परमिशन भी मांगेगा आपका विंडोज, तो आप परमिशन दे देना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये भी टेम्परेरी फाइल्स है तो इन्हें भी आसानी से डिलीट कर सकते हो आप।